डिस्प्ले दोस्तों है तो ये IPS LCD, लेकिन कलर मुझे यहाँ पर ज्यादा चीप नहीं लग रहे हैं। पम रम पम पम रम पम पम रम पम। दोस्तों आ चुका है मेरे पास यहाँ पर Redmi Note 9। दोस्तों ये Redmi Note 9 वो नहीं है जो कि इंडिया में लॉन्च हुआ है, जो कि दुबई में लॉन्च हुआ है। ये Redmi Note 9 चाइनीज वर्जन वाला है, जो कि टोटल एक न्यू डिवाइस है। मैंने किया था इसको प्री बुक चाइना में, 3 दिन पहले दुबई में आ चुका था। दुबई में चल रही थी नेशनल डे की हॉलीडेज, 3 दिन के बाद ये मुझको आज यहाँ पर मिला है। देर आए, ऑलमोस्ट दुरुस्त है Redmi Note 9। दोस्तों 4G वाला मेरे पास आ चुका है, Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9 Pro और Redmi Watch, ये तीनों चीज़ें 2-4 दिन में मुझको दुबई में मिल जाएगी। उसकी अनबॉक्सिंग ज़रूर से मैं लेके आऊँगा, लेकिन फिलहाल हम करेंगे Redmi Note 9 4G चाइनीज वर्जन को। तो जनता लाइक बनता, अगर लाल को काला नहीं किए तो क्या किए, लाल को काला भी बनता। दोस्तों कुछ यूं पैकेजिंग में ये आया है चाइना से, यहाँ पर MI और बहुत ही बड़ा बड़ा मक्खी मच्छर। यहाँ पर बॉक्स खोलते हैं, सबसे ऊपर यहाँ पर रहेगी रिसिप्ट। रिसिप्ट में दोस्तों आप प्राइसिंग यहाँ पर देख सकते हैं 999 RMB, यानी कि कुछ 11,000 समथिंग इंडियन रुपीज का ये मुझको 128GB 4GB रैम वाला मिला है। अब दोस्तों इस रैपर में चढ़ के आया है Redmi Note 9। सबसे ऊपर दोस्तों यहां पर एक सिम कार्ड Xiaomi की तरफ से दी गई है। अब दोस्तों ये रहा Redmi Note 9 का बॉक्स। फ्रंट में 6000 mAh बैटरी को बड़ा बड़ा मेंशन किया गया। Redmi Note 9 साइड में कुछ नहीं, इस साइड में सेम ब्रांडिंग, ड्रैगन जी आग का गोला निकालते हुए। कौन सा वेरिएंट है, कैमरा कर ले फोकस, कैमरा फोकस। दोस्तों जो बेस वेरिएंट है वो भी 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। रैम रहेगी यहाँ पर 4, बाकी सब चाइनीज में लिखा है। दोस्तों एक कट लगाते हैं हम यहाँ से, ओके, रैपर को निकालते हैं यहाँ से बाहर बड़े ही आराम से। क्या बोलेंगे हम, 10 10 10 10 10, क्या बात है भाई, क्या बात है। अगेन ड्रैगन जी आग का गोला निकालते हुए, ओके। और यहाँ पर रहा Redmi का नोट 9, रैपर से निकालते हैं इसको बाहर। वाह वाह, शाइनिंग शाइनिंग, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। 1 मिनट के लिए साइड में रखते हैं, कवर को पहले देख लेते हैं। सिम इजेक्टर टूल है और यहाँ पर पेपर वर्क है, पेपर वर्क में लिखा गया है तीनों चीजें, ये डेडिकेटेड स्लॉट है, तीनों चीजें एक टाइम पे लगा सकते हैं, क्या तो बात है। उसके बाद केस दोस्तों मुझे यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन में ज्यादा बुरी क्वालिटी का नहीं लग रहा है, थोड़ा सा केस मुझे यहाँ पर डिसेंट लग रहा है। ओके दोस्तों एडेप्टर देख लेते हैं हम यहाँ पर। एडाप्टर की रेटिंग दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, 22.5 वॉट का एडाप्टर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। USB 2 टाइप सी की केबल देखने को हमको मिलती है। अब तो पावर ऑन करते हैं, हल्का सा वाइब्रेट आया आया आया, ओके, हल्का सा वाइब्रेट आया और ये आया Redmi का लोगो। अब तो फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं, सबसे पहले ये स्टिकर यहां से हटा देते हैं। ओके दोस्तों स्टिकर रिमूव हो गया, अगर हम बैक साइड को देखें तो काफी प्रीमियम लगता है, लेकिन अगर आप इसको यहां पर टच करेंगे तो आपको पता लगा ये कंप्लीट प्लास्टिक है, कोई पॉलीकार्बोनेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कंप्लीट प्लास्टिक है, लेकिन लुक वाइज ये काफी डिसेंट लगता है। ट्रिपल कैमरा दोस्तों यहां पर दिए गए हैं, 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल यहां पर ड्यूल टोन फ्लैशलाइट है। यहां पर वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन, पावर का बटन और अच्छी बात फिंगरप्रिंट जो है वो बैक में नहीं है, फिंगरप्रिंट साइड में देखने को लगता है, ये अच्छी बात है। यहां पर नीचे की साइड में टाइप सी की कनेक्टिविटी, स्पीकर ग्रिड और माइक्रोफोन, और इस साइड में सिर्फ सिम ट्रे है जो कि डेडिकेटेड स्लॉट के साथ आती है। ऊपर के साइड में हमको हेडफोन जैक दिया गया है, स्पीकर ग्रिल दिया गया है और एक माइक्रोफोन IR ब्लास्टर दोस्तों नहीं दिया गया है। यह दोस्तों वेलकम स्क्रीन और मैं आपको डायरेक्ट इसकी होम स्क्रीन में ले चलता हूं। यह है दोस्तों चाइनीज वर्जन, चाइनीज वर्जन में आपको सिर्फ इतने ही लैंग्वेज मिलते हैं, हम इंग्लिश को सेलेक्ट करते हैं, ओके, चलो भाई आगे। और दोस्तों ड्यूल बैंड के साथ आता है, यानी कि 5G हर्ट्ज वाला नेटवर्क भी आप वाईफाई में यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आ चुके हैं दोस्तों हम इसकी होम स्क्रीन में, सबसे पहले बेजल्स की यहाँ पर बात करते हैं। ओह
यहाँ पर जो इंडियन वर्जन का नोट 9 था, ग्लोबल वर्जन का नोट 9 था, वहां पर बिंदिया थी, यहाँ पर पंच होल था साइड की तरफ, लेकिन यहाँ पर नॉच है मिडल में, ये तो थोड़ा सा डाउनग्रेड ही हो गया है। उसके बाद यहाँ पर बेजल्स की बात करें, नीचे का बेजल दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा बेजल नीचे की साइड में है। डिस्प्ले की दोस्तों अगर बात करें, डिस्प्ले तो इसका IPS LCD है, लेकिन दोस्तों कलर मुझे काफी डिसेंट लग रहे हैं, डिस्प्ले मुझे काफी डिसेंट लग रहा है, ज्यादा भी बुरा नहीं लग रहा है। और दोस्तों यहां पर हमारे छोटे सरकार भी तशरीफ लाए हुए हैं। कि दोस्तों फीचर्स की बात करें, जो स्क्रीन साइज है वो हमको यहाँ पर 6.53 इंच का IPS LCD 1080p का देखने को मिलता है। 6000 की दोस्तों बैटरी है यहाँ पर विशाल। स्नैपड्रैगन का दोस्तों 662 का प्रोसेसर यहां पर दिया गया है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है। उसके बाद जितना भी मटेरियल है दोस्तों वो सारा का सारा यहां पर प्लास्टिक है। 4 वेरिएंट में दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है। यहां पर बेस वेरिएंट 4GB 128GB का है। 3 कैमरा है रियर की साइड में, जो फ्रंट कैमरा है दोस्तों वो यहां पर 8 मेगापिक्सल का है। आप दोस्तों बात करते हैं इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की। ओके टच किया, ठीक है, एक बार फिर से जी हाँ दोस्तों, फिंगरप्रिंट थोड़ा सा स्लो है, ये देखिए मैंने रखा, जी हाँ दोस्तों फिंगरप्रिंट यहां पर निराशा है। अब दोस्तों बात करते हैं हम इसके फेस अनलॉक की। मैं हूं बिल्कुल सामने, ओके एक बार फिर से, फेस अनलॉक जबरदस्त है दोस्तों, एक बार फिर से, जी हाँ दोस्तों फेस अनलॉक जबरदस्त है यहां पर। अब दोस्तों डार्क मोड को यहां पर इनेबल करते हैं, ये यहां पर ओके। वॉलपेपर भी दोस्तों कितना डार्क हो गया, हालांकि वॉलपेपर में कुछ क्लैरिटी ज्यादा नहीं है, अदरवाइज वॉलपेपर को भी इसने डार्क यहां पर कर दिया है। सेटिंग देख लेते हैं, और दोस्तों यहां पर कंप्लीटली डार्क है, ग्रे नहीं है, यहां पर ग्रे है, अदरवाइज पूरा यहां पर कंप्लीटली डार्क है। और दोस्तों यहां पर किसी तरह का रिफ्रेश रेट नहीं है, ये होने वाला है बेसिक यहां पर 60Hz रिफ्रेश रेट। मैं दोस्तों अब इसके कुछ सैंपल यहां पर लेके आता हूं, आप जाना नहीं फर्स्ट रिएक्शन में, बस मैं कुछ सैंपल लेके आता हूं। तो सैंपल्स तो मैं कई सारे लेके आया हूं, कैमरे ने मुझको दोस्तों यहां पर किया है डिसअपॉइंट। कैमरा दोस्तों ज्यादा दमदार नहीं लगा है मुझे। यहां पर दोस्तों आप देखते हैं सेल्फी कैमरा है, हयात्र जंसी है यहां पर, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही, टोटल फ्लैश आउट कर दिया है। इस पिक्चर में दोस्तों वही है, यहां पर आसमान का कलर टोटल फ्लैश आउट हो गया। लेकिन अगर फेस टोन की बात करें दोस्तों, फेस टोन मुझे काफी डिसेंट लगा है, बैकग्राउंड में भले ही ब्लर कर गया हो, लेकिन तो रियर कैमरा है ये पोर्ट्रेट का रियर कैमरा मुझे काफी डिसेंट लगा है, जो कि सेल्फी कैमरा है वो बिलो द एवरेज ही मैं यहां पर कहूंगा। 64 मेगापिक्सल की दोस्तों ये तस्वीर है यहां पर, जूमिंग कर लेते हैं, ठीक है डिसेंट जूम किया है, प्लेन को भी यहां पर डिसेंट दिखा रहा है, काफी ऊंचा था। 64 मेगापिक्सल की दोस्तों जूमिंग मैं कहूंगा मुझे काफी डिसेंट लगी है यहाँ पर। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं दोस्तों, कैमरा मुझको यहाँ पर डिसेंट नजर आ रहा है, मैं कहूंगा डिसेंट है कैमरा यहाँ पर, कुछ ज्यादा भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। जूमिंग कर लेते हैं और काफी ज्यादा पिक्सल को कम करते हैं, कैमरा मुझे फर्स्ट रिएक्शन दोस्तों काफी डिसेंट लगा है यहाँ पर। वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यहाँ पर सेल्फी कैमरा से, फ्लैश आउट दोस्तों, कैमरा 0/0, लेकिन अगर प्राइसिंग देखें तो फिर कह सकते हैं ठीक है अदरवाइज। यही कुछ था दोस्तों अनबॉक्सिंग वीडियो में, अब बात कर लेते हैं इसकी अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग की। अनबॉक्सिंग दोस्तों कर लिया हमने Redmi Note 9 4G चाइनीज वर्जन वाले को, इसका ग्लोबल वर्जन और इसका इंडियन वर्जन जरूर से आएगा, नाम चेंज होगा, हो सकता है कि Redmi 9 पावर रख दें दुबई में, Redmi Note 9 पावर रख दें, कुछ भी ऐसा नाम हो सकता है इसका। जब भी ग्लोबल वर्जन आ जाएगा उसकी भी अनबॉक्सिंग अवेलेबिलिटी प्राइस लेके मैं आपके पास जरूर आ जाऊंगा। आपका दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्राइसिंग 999 RMB यानी कि 11,000 समथिंग का ये मुझको दुबई में मिला है। आपका दोस्तों वीडियो देखने बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बा खैर जनता, लाइक तो बनता, अगर लाल को काला नहीं किया तो क्या किया, लाल को काला बनता।